ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से ही होती है। ये मुहर्रम का महीना त्यौहार या खुशी का महीना नहीं बल्कि गमों से भरा हुआ महीना है। लगभग 1400 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर की दूर करबला में एक ऐसी ऐतिहासिक जंग हुई थी जिसे सुनकर पढ़कर रूह कांप जाती है। यजीद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को नमाज पढ़ते समय सजदे में शहीद किया था। उनके 72 साथियों को और 6 महीने के अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के भतीजे कासिम हसन के बेटे को भी बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया था। इमाम हुसैन की याद में रोजे भी रखे जाते हैं और सिया मुस्लिम समाज जुलूस निकालकर हसन हुसैन की याद में मातम करते हैं। गोवंडी और चेंबूर मानखुर्द में भी लोगों ने जुलूस निकाला और जिसमें तहजिया लेकर चलते हुए नजर आए और इमाम हुसैन को भी याद किया। वहीं टाटा नगर में एक ही रास्ते से तहजिया और गणेश विसर्जन के लिए जाया जाता है, जिससे दत्ता तरुण मंडल और सुन्नी जामा मस्जिद के लोगों ने हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख से बातचीत की है। आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख, हम खड़े हैं गोवंडी के टाटा नगर परिसर में। यहाँ पे आज दत्त तरुण मंडल और सुन्नी जामा मस्जिद के लोग हमारे साथ शामिल है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये दोनों त्योहार आज एक साथ आया है, गणपति और मुहर्रम का, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे यहाँ पे टाटा नगर और दत्त मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद के सब मुसलमान भाई और हिंदू भाई, ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करके ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे कोई धर्म या कोई जाति का कोई ये मसला नहीं रहता है। यही हमारे साथ मौजूद है सुन्नी जामा मस्जिद के भी लोग, आइए उनसे बात करते हैं। देखो, हम लोग जो यहाँ पे है ना, हिंदू मुस्लिम हमारे लिए सब एक है। हम हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं और हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने त्यौहार में हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मुहर्रम के ताजिए आ रहे हैं और गणपति भी है, लेकिन दत्त तरुण मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद हम लोग में इतना एका है कि हम लोग हमारी हर चीज़ को आपस में सुलझा लेते हैं और हम लोग हंसी खुशी मिलके रहते हैं। तो आप जब चंदा निकालते हो जिस तरीके से गणपति का, मुहर्रम का, तो ये दोनों हिंदू और मुस्लिम साथ ही में देते हैं चंदा? सब मिलके देते हैं, हम गणपति के लिए भी देते हैं, हिंदू भाई भी हमारे मुहर्रम के लिए देते हैं, हम लोगों को कोई चंदे का या कोई चीज़ का कोई मसला ही नहीं है। यही हमारे साथ मौजूद है देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर PI, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम, दो त्यौहार एक साथ आए हैं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना नहीं चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इधर कितना भाईचारा है, बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए और कुछ नहीं चाहिए। मैडम, दो त्यौहार एक साथ आए, इस पर आपने आपके और आपके डिपार्टमेंट ने क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? हमने बहुत पुलिस का सुरक्षा लिया है, लेकिन ये मैंने यंगस्टर की बहुत हेल्प ली है, उनके बलबूते पर मैं बहुत अच्छा ये काम कर रही हूँ और ये लोग हमको बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। यंगस्टर हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों के यंगस्टर हमको बहुत अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं और इसके बगैर हो ही नहीं सकता। उनके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। वही देवनार पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर रागनी भागवत ने बताया कि जुलूस के दौरान पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त रहा और किसी भी तरह की प्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। रागनी भागवत ने यह भी जानकारी दी है कि मुहर्रम की तरह गणेश विसर्जन के वक्त भी इसी तरह का पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।